दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ही नहीं पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गया है। विपक्ष इसे देश का अघोषित आपातकाल बता रहा है। बुधवार देर शाम ईडी ने संजय सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को कोर्ट में उनकी पेशी होगी, जहां आगे की पूछताछ के लिए ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। इससे पहले उनके घर पर पूरे दिन छापेमारी हुई, हालांकि इस दौरान उनके घर से क्या मिला इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। इस बीच उनकी पत्नी अनीता सिंह ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अनीता सिंह ने कहा है कि ईडी ने बदतमीजी की और पूरे घर को बिखेर कर रख दिया। पूछताछ नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच उच किया, पूरा पूरे कमरे अलमारी सारी चीजें के छानबीन किया है उन्होंने, और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए, और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं, तो सत्य की जीत है उनके साथ। हम कुछ सीज भी किया है, क्या कुछ दस्तावेज मिले, क्या कुछ लेकर? कोई दस्तावेज नहीं किया है, उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है, और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अम्बानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के पूछ क्या रहे थे, सवालात क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था, उन्होंने जो षड्यंत्र किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है, और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी, क्योंकि कोई मेरे से कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है, और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उधर बदल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे, वो क्या बातचीत हुई, क्या हिम्मत बंधा के गए? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है, सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा, ये हमारी शुभकामना है उनको। पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है, और सारे कागज पत्र भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है, और गिरफ्तार करके ले गए। ऊपर से ईडी अडानी अंबानी जो भी है, तो प्रेशर है ना ऊपर से कि संजय सिंह को जेल में डालना है, तो उन्होंने किया। वो हमारा कोई आधार नहीं बताया, नहीं, उन्होंने कहा तुम बहादुर, एक बहादुर पत्नी हो, बहादुर पति की पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत मारना, उनके साथ हूँ, हमारे बच्चे साथ है, मेरा परिवार साथ है, इसलिए मैं उनको शुभकामना देती हूँ कि तुम हमेशा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। आंखें डबडबा रही है? नहीं 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 नहीं, ये डबडबा नहीं रही है, ठीक है, अब इमोशनल तो होता है, एक घर से पति जा रहा है और मतलब झूठे केस में जा रहा है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है।